ये है हमारा मॉडल जी, लेकिन हम लोग ने मिसिंग किया था साक्षी को। शब्दों का वजन तो हमारे बोलने से भाव से पता चलता है। मैं भी राजीव पटेल। मैम आज का इवेंट कैसा रहा? आज का इवेंट बहुत अच्छा रहा, सबने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया था। मॉडल्स नहीं सोचा था मैंने कितना अच्छा करेंगे। Hey guys, welcome back to my new vlog. गाइज अभी बज चुके हैं 8 और अभी मैं एकदम रेडी हो चुका हूँ। एंड गाइज आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड में हूँ क्योंकि आज हमारे कॉलेज के अंदर फॉरेंसिक साइंस एंड टॉक्सिकोलॉजी का वर्कशॉप है, जिसके अंदर सभी लोगों को एक एक टॉपिक दिया गया था और उसके ऊपर सभी लोगों ने अच्छे अच्छे मॉडल बनाए हैं। इवन हमारी ग्रुप ने भी अच्छे अच्छे मॉडल बनाए हैं जिसके लिए हम लोग ने बहुत अच्छी मेहनत की है। तो आज मैं जाऊंगा कॉलेज में और सभी लोगों को मिलाऊंगा और सभी लोगों के मॉडल भी दिखाऊंगा। फटाफट से अभी चलते हैं कॉलेज। हे गाइज अभी मैं कॉलेज पहुंच चुका हूँ और सभी लोगों के अच्छे अच्छे मॉडल दिखाता हूँ। गाइज ये भी आ चुके हैं। आज एक्साइटेड में हूँ ना, आज हमारा वर्कशॉप है, हम सभी एक्साइटेड है बहुत ज्यादा। मैं फाइनली में आ चुका हूँ एंड डिफरेंट जगह पे अलग अलग लोग के मॉडल्स है हमारे ग्रुप मेंबर। एज यूजुअल सभी लोग को आप पहचानते ही हो। और ये है अभिषेक, विशाल, प्रसिद्ध, दीपक एंड पीयूष और मैं और दूसरे भी और हमारे ग्रुप मेंबर से जो ऊपर है, मैं ऊपर जाके आपको दिखाऊंगा। और हमारा टॉपिक है बंस और उसके ये तीन मॉडल्स है। तो अभी हम लोग को जाना है ऊपर ऑडिटोरियम रूम में। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो जो स्टेज पे वो हमारे मैम है और ये भी हमारे मैम है, जो स्टूडेंट भी उनके साथ लगे हुए हैं। हमने सभी एसी चालू कर दिए है और यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी बैठेंगी और स्टूडेंट इस सेक्शन में बैठेंगे, एक कॉलेज के यहाँ पे, एक कॉलेज के यहाँ पे। गाइज अभी हमारा इनॉग्रेशन चल रहा है, सभी गेस्ट आए हुए है। गाइज ये है हमारे गेस्ट। गाइज अभी हमारा इनॉग्रेशन सेरेमनी खत्म हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हो सभी लोग बाहर की कॉलोनी में है एंड सभी लोग अपने अपने मॉडल को डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पे एसी चल रहा है ना, उसके कारण बाहर बहुत गर्मी थी तो हम लोग अंदर आ चुके हैं। एंड यहाँ पे दीपक बहुत अच्छा तैयार होके आया ना, तो वो मेरे को बोल रहा है कि मेरी फोटो लो। और गाइज यहाँ पे एक और एक नया ग्रुप बैठा हुआ है जिसका जिसका टॉपिक, तुम्हारा टॉपिक क्यूज है? मर्क्यूरी पॉइजन। हे गाइज अभी मैं सभी लोगों के मॉडल्स आपको बताता हूँ। और ये है हैंगिंग का मॉडल, जो फांसी बोलते हैं ना उसको। और इस ग्रुप का लीडर है गौतम। गाइज ये लोगों ने ये बनाया है, ये घर है और यहाँ पे लाइट गई है वायर पे, जो काम करने के लिए आता है वो हैंगिंग कर देता है। और ये है कम्प्लीट हैंगिंग और ये है जुडिशियल हैंगिंग, जो हमको सजा मिलती है। और उन लोगों के चार्ज भी बनाए गए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो सुशांत सिंह राजपूत वाला केस है। और इस ग्रुप के सभी मेंबर ये है। गाइज मैं आपको दूसरा मॉडल बताता हूँ और उस टॉपिक का नाम है फायर आर्म इंजरी। बुलेट के पर ही मॉडल बनाया गया है। ये बुलेट है और ये बुलेट्स के टाइप्स है और यहाँ पे बुलेट लगी है पीछे से, उस वो निकली है। ये लोग पूरा बुलेट के ऊपर एक्सप्लेन करने वाले हैं और ये भी एक एक्स्ट्रा चार्ट है। और ये सभी लोग इस ग्रुप के मेंबर हैं। तो थैंक यू सो मच। गाइज मैं अभी अपना मॉडल बताता हूँ। ये है हमारा मॉडल जो हमने विशाल के रूम पे बनाया था। गाइज ये है बंस का मॉडल है और इस मॉडल से हम लोग वो पता कर सकते हैं कि क्या परसेंटेज बर्न हुआ है। और गाइज ये है कितना डिग्री बर्न हुआ है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। और ये हम लोग ने चार्ट बनाया है। ये सभी लोग एज यूजुअल हुई है, जो हम लोग पावागढ़ गए थे लेकिन हम लोग ने मिसिंग किया था साक्षी को। हाँ दीपक तो बाकी ही भाई, दीपक को भी मिसिंग किया था। सभी लोग का नाम तो आप एज यूजुअल जानते हो लेकिन ये तृप्ति, ख्याति, ये मानसी और ये साक्षी है। तो गाइज अभी मैं आपको और भी मॉडल बताऊंगा। गाइज अभी अभी हम लोग को खबर मिली है कि फर्स्ट ईयर वाले जो है वो मॉडल देखने के लिए आ रहे हैं। ये सभी लोग आएंगे, हमारा मॉडल देखेंगे और हम लोग अभी सेकंड ईयर में है, अगले साल उनको भी आएगा तो उनको भी आइडिया पता चले कि एक्चुअल में कैसे मॉडल बनाने चाहिए। साक्षी हम लोग को समझाएंगी कि एक्चुअल में हम लोग ने क्या बनाया है। मैम प्लीज आपका है ना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, आज को एफएमटी का वर्कशॉप आपको कैसा लगा? इट्स बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशंस। ओके और भी कुछ? डिड सो वेल टुडे। यहाँ पे है एक दूसरा मॉडल, यहाँ पे उनका मेन मोटो है स्ट्रेंगुलेशन। स्ट्रेंगुलेशन का मतलब होता है किसी भी आदमी को गला दबा के या कुछ डंडे से या तो कुछ हाथ से या तो अपने एल्बो से मारना, उसको बोलते हैं। और ये पूरा वर्किंग मॉडल है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा वर्किंग है। और ये भी गाइस
बहुत अच्छे मॉडल बनाए हैं। गाइज अभी हम लोग आए हैं एक दूसरे मॉडल पे, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी बॉडी है, मरने के बाद बॉडी भी स्टिफ होती है। का नाम है राइगर मोर्टिस और उसके जो लीडर है जो वंशिका है, मरने के बाद जो इंसान का जो भी ब्लड है ग्रेविटेशन फोर्स की तरफ नीचे जम जाता है, तो उन लोगों ने नीचे भी ऐसे बताया है। बहुत अच्छा मॉडल बनाया है, आप लोगों ने मेहनत भी दिख रही है। अभी मैं अपने ऑडिटोरियम रूम में आ चुका हूँ, हमजा भाऊ और ये सभी लोग सीटिंग अरेंजमेंट करा रहे हैं और हमारे जितने भी प्रेजेंटेशन वाले यहाँ पे बैठेंगे और ऑलमोस्ट अभी 1:15 बजने ही आया है, हमारा स्टार्ट होने ही वाला है। शब्दों का वजन तो हमारे बोलने से भाव से पता चलता है, शब्दों का वजन तो हमारे बोलने से भाव से पता चलता है। वैसे देखा जाए तो दीवार पर भी वेलकम लिखा होता है। माय नेम इज अजय पटेल एंड टुडे इज माय टॉपिक इज अबाउट इज अ क्लासिफिकेशन अंडर द थर्मल इंजरी। थर्मल इंजरी इज अ टू टाइप ऑफ थर्मल इंजरी। One is the exposure to cold, exposure to heat. Next, pathophysiology. Patho means abnormal and physio means normal. Means normal to abnormal condition is the pathophysiology of one. Now, next classification, Dupuytren's classification. So, Dupuytren's had classified burn into 6 degree. We will see all this degree. So, in model we can see that this part of the skin is normal. So, you can see in the hand, first, second and third degree of Wilson's classification. Now, we can discuss about the factor. First factor is rule of 9. It is the age. Infant, very young children, old people more extensive to the burn injury. Now, its postmortem findings are external and internal. External postmortem findings are which we can see outward of the dead body. So, pugilistic attitude is also known as the boxer's attitude and fencer's attitude. What is the difference between antemortem and postmortem? Antemortem means before the death and postmortem means after the death. To understand the medical importance of the burn injury, plinth will not cause of burn injury. We need to also analyze the other causes of death. Hey guys, अभी मैं बाहर आ चुका हूँ एंड अंदर आवाज हो रही थी और हमारा थर्ड नंबर था ग्रुप का, तो हमने खत्म कर दिया। कुल टोटल 10 ग्रुप है, अभी छठा ग्रुप चल रहा है और उसके बाद हमारा रिजल्ट भी आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना मस्त व्यू आ रहा है, वहाँ पे सामने तालाब है एंड ये अभिषेक गढ़वी है, वो भी हमारे टीम के अंदर था। और गाइज क्या बोलने जा रहे, हम लोग विनर ही है। रिजल्ट थोड़ी देर के बाद निकले होगा। I really appreciate your efforts to it, the way in which the models were presented. It was genuinely commendable. And I appreciate all the participants. Excellent workshop. Third rank. Any guess? Khyati and group. Woo! Dr. B.P. Pandasa and Kriti ma'am, please come on the stage. फाइनल रिजल्ट आ चुका है और जो ये टीम है उन्होंने फर्स्ट रैंक जीता है। आज का इवेंट कैसा रहा? आज का इवेंट बहुत अच्छा रहा, सबने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया था। मॉडल्स नहीं सोचा था मैंने कि इतना अच्छा करेंगे, वो बहुत अच्छा किया। गाइस यहाँ पे हमारा आज का इवेंट खत्म होता है और हमारे जो मॉडल्स बनाए हैं हम लोग यहाँ पे रखेंगे। हमारा एक्चुअल में जो नंबर आया ना गाइज, इसके वजह से आया है, इस मॉडल की वजह से आया है। उसमें हम लोग ने अच्छी वाली क्रिएटिविटी दिखाई और हमारा पूरा टीम बहुत एक्साइटेड में है आज। इसने भी करा था, सबसे प्यारा लड़का है, उसकी बहुत फटती है, उसने सिर्फ पोजीशन बोला, उसमें भी उसने बहुत मिस्टेक की है, बहुत मिस्टेक, जाके घबरा गया साला। मजा आया? थर्ड नंबर आया तो मजा आएगा ना। हे गाइस अभी मैं रूम पे आ चुका हूँ एंड आज बहुत मजा आया गाइस, मैं जितना एक्साइटेड सुबह था इतना ही अभी हूँ। गाइस आज हमारे ग्रुप का थर्ड नंबर आया है और उसके कारण गिफ्ट भी मिला है। जिसका फर्स्ट नंबर आया है उन्होंने अच्छे से प्रेजेंट किया था, उनका तो वेल नोन प्रेजेंटेशन था। गाइस मैंने 3 व्लॉग बनाए, जो पिछले फर्स्ट जो व्लॉग था सिंपोजियम का, जिसमें मेरा फर्स्ट था टीचर्स डे वाला था, उसके अंदर सेकंड रैंक था, और फॉरेंसिक साइंस एंड टॉक्सिकोलॉजी का वर्कशॉप था, उसमें हमारा थर्ड नंबर आया है। तो गाइज मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि किसी भी फील्ड में हो आप, तो आप अच्छे से मेहनत करिए, आपका भी अच्छे से अच्छा नंबर आ सकता है। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। और तो गाइज आई होप आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।